भगवान को भगवान श्री कृष्ण भगवान को गीता को हर देश में ले जाकर प्रचार किया। पहचानते हैं आप श्री भगवान को पहचानते हैं। यह है प्रभुपाद जो प्रभु वाले ने भगवत गीता को लेकर जाकर जो भी हिंदी से ट्रांसलेट किए संस्कृत से और इंग्लिश में किए। इंग्लिश मतलब 15 भाषा में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। तो इस्कॉन के बारे में सब तो नहीं जानते होंगे तो कुछ बता देते हैं। तो इस्कॉन जो है हर व्यक्ति को क्या करते हैं माइंड को फ्रेश करते हैं। अब फ्रेश कैसे करते हैं कि भौतिक संसार में भौतिक ज्ञान से और भी कचरा घुसाते हैं हम लोग का दिमाग में। तो आध्यात्मिक जो ज्ञान होते हैं उसी से माइंड फ्रेश होते हैं और एक ज्ञान हर किसी को मिलना चाहिए और लेना भी चाहिए। अब बताइए बांग्लादेश से पाकिस्तान रूस यानी यूक्रेन यूके अमेरिका सबसे पहले गए थे प्रभुपाद अमेरिका न्यूयॉर्क शहर सबसे पहले वहीं पे आंदोलन शुरू किया हरिनाम का कीर्तन का भगवत गीता का। इसलिए हम लोग को ज्यादातर पढ़ना चाहिए और उसी ज्ञान से हम लोग को क्या मिलते हैं जीवन को। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता से हम लोग क्या मिलते हैं जीवन को कैसे जीना है जीवन को कैसे जीना है। भगवान भगवत गीता ने यह भी कहा है कि इस संसार में सुख नहीं है। विद्यालय के जाते तो क्या मिलता है हम लोग को विद्या। यस तो वैसा ही इस जगत को भगवान ने क्या कहा दुखा है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलता है वैसा ही ये संसार में दुखा लाए यानी दुख के बिना कुछ है नहीं। तो जितना कोशिश करते हैं सुख भोगने के लिए लास्ट में क्या मिलता है दुख। पैसा कमाने पैसा तो कमाते हैं बहुत पैसा कमाते हैं। अगर देखिएगा तो गया में बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर दिए क्या उन लोग को जाकर पूछिएगा कि आप लोग सुख में हैं। वो लोग बोलेंगे नहीं और भी कमाना है पैसा है बस उसी टेंशन में लगे रहते पैसा और ही कमाना है लास्ट में छोड़ के चले जाते हैं बेचारे। तो इसलिए हम लोग भगवत गीता हर संडे में क्लास होते हैं स्टूडेंट के लिए क्लास 4:30-5 बजे इस्कॉन में। इस्कॉन है आपका छोटकी लालपुर के नीचे और एक वही गांधी मैदान। अब इस बार रथ यात्रा में सब आइए गांधी मैदान रथ यात्रा जगन्नाथ का 7 जुलाई। तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं ठीक है चालू करिए कीर्तन। हरे कृष्णा
Hare Krishna.
है वो है कीर्तन और साधु साहित्य।